Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कैनेडियन हुकूमत की शहरियों को बहामास और फ्लोरिडा का सफर ना करने की हिदायत। कैनेडियन मईशत सही सम्त में गामजन है, इदारा शुमारियात कैनेडा। टोरंटो के फूड बैंक की शहरियों से एहतियात की अपील। टोरंटो ट्रांजिट कमीशन की आखिरी दो बैंडी स्ट्रीट कार्स रिटायर्ड। तालिबान के साथ अमन अमल के करीब पहुंच चुके हैं सलमे खलील साथ। अमेरिका में फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक, 21 जख्मी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a Senior Case Analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. एरिया इनक्लेव के एन वस्त में मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी, मरगला के पहाड़ों के हसीन व्यू लिए वर्ल्ड क्लास बेहतरीन फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ 2 और 3 बेडरूम के सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल, हर अपार्टमेंट विला जैसा रोशन और कुशादा। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए ला रहा हूँ एक शानदार प्रोजेक्ट, मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी। तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए शराज बदर 519-807-8771। ईमेल कीजिए shiraz@propertybrothers.com। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा से अपनी सेहत को ठीक रखने या किसी भी पुरानी बीमारी या रोग के बारे सलाह लें 416-804-1500, 416-804-1500, 2250 बुवेट ड्राइव ईस्ट, यूनिट 601, ब्रैम्पटन। आयुर्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन मेडिकल सिस्टम है। घुटनों का दर्द यानी आर्थराइटिस, डायबिटीज, कोलाइटिस या फिर त्वचा के रोग जैसे सफेद दाग यानी वटिलेगो, सोराइसिस, एक्जिमा आदि का आयुर्वेद में कैसे होता है इलाज, देखें कनाडा के जाने माने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा के साथ। हेल्थ जरूरी है। वैद्य हरीश वर्मा के शो हेल्थ जरूरी है को टीवी चैनलों और यूट्यूब पर देखें और उनसे राब्ता करें 416-804-1500, 416-804-1500। कनाडा की हुकूमत कैनेडियंस पर जोर दे रही है कि वो बहामास के सफर से गुरेज करें और फ्लोरिडा के तमाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। कनाडा की हुकूमत कैनेडियंस पर जोर दे रही है कि वो बहामास के सफर से गुरेज करें और फ्लोरिडा के तमाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से हिदायत समंदरी तूफान ड्रोयान के सबब जारी की गई हैं, जो कि कैटेगरी 5 की शिद्दत इख्तियार कर गया है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि बहामास की जानिब किए जाने वाले सफर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अगर कोई भी खुद को महफूज रखना चाहता है तो वहाँ के सफर से गुरेज करे। फ्लोरिडा के लिए कैनेडियन हुकूमत की जानिब से गैर जरूरी सफर से मना किया गया है कि जहां साहिली पट्टी पर आने वाले तूफान से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। शुमारियात कनाडा के एक जायजे के मुताबिक कनाडा की मईशत सही सम्त में गामजन है और रवा साल की दूसरी शिशमाही में मईशत की ग्रोथ 3.7% रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुमारियात कनाडा के एक जायजे के मुताबिक कनाडा की मईशत सही सम्त में गामजन है और रवा साल की दूसरी शिशमाही में मईशत की ग्रोथ 3.7% रिकॉर्ड की गई है, जो माहरीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। रिपोर्ट के मुताबिक
GDP में 1% की गिरावट आई है ताहम आरजी है और जल्द ही सूरत हाल पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि बरामदात की मईशत की बेहतरी की अहम वजह बरामदात की बहाली है, ताहम कमजोर खपत और सरमायाकारी की वजह से उसके गैर मुस्तहकम होने का भी खदशा है। माहिरीन के मुताबिक शुमारियात कैनेडा की जानिब से फराहम करदा बुनियादी तफसीलात कम मुतासर कुन थी। 2014 के बाद से बरामदात में सबसे तेज सहमाही में इजाफा हुआ था, लेकिन आमदनी में जबरदस्त फायदा होने के बावजूद घरेलू इस्तेमाल में इजाफे का खात्मा हुआ और कारोबार सरमायाकारी 2 साल से ज्यादा के दौरान कम हो गई। इसके नतीजे में दूसरी सहमाही में घरेलू तलब में मुहायदा हुआ। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं टोरंटो के एक फूड बैंक का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके शेल्फ में हर वक्त खुराक मौजूद रहे, तहम चंद रोज में उन्हें मिलने वाले चंदे में कमी के सबब उन्हें मुश्किलात का सामना है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के एक फूड बैंक का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके शेल्फ में हर वक्त खुराक मौजूद रहे, ताहम चंद रोज में उन्हें मिलने वाले चंदे में कमी के सबब उन्हें मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल इस कदर संगीन है कि फूड बैंक को अपनी खदमात जारी रखने के लिए मायूस होकर चंदे के लिए ऐलान करना पड़ा, जबकि उनके फूड बैंक में खाने की शदीद किल्लत पैदा हो गयी। जेनी फहली जो की फूड बैंक चला रही है, उनका कहना है की लोग गर्मी में खाना छोड़ नहीं देते। उनका कहना है की जब हम आराम से बैठते हैं तो अंदाजा नहीं लगा सकते की लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं। डेली ब्रेड फूड बैंक में कम्युनिटी की जानिब से चलाया जाता है, जिसमें हफ्ते में तकरीबन 30 के करीब लोगों को खाना खिलाया जाता है। ताहम इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्हें दिए जाने वाले एहतियात में कमी और तलब में इजाफे की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टोरंटो ट्रांजिट कमीशन की आखिरी दो बैंडी स्ट्रीट कार्स अपनी जिंदगी के अख्तिताम पर पहुँच चुकी है, लेकिन TTC उन्हें बाज़ाब्ता रिटायरमेंट से पहले एक दिन और सर्विस पर रखना चाहता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो ट्रांजिट कमीशन की आखिरी दो बैंडी स्ट्रीट कार्स अपनी जिंदगी के अख्तिताम पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन TTC उन्हें बाज़ाब्ता रिटायरमेंट से पहले एक दिन और सर्विस पर रखना चाहता है। TTC के एक तर्जुमान माइक डे टोमा का कहना है कि हमने उन कारों को हटाने से पहले उनका बहुत इस्तेमाल कर लिया है। गाड़ियों की आखिरी सवारी के मौके पर चंद मकामात पर मुफ्त सर्विस फराहम की जाएगी। 2 स्ट्रीट कार्स जो की 52 गाड़ियों पर मुश्तमिल फ्लीट का हिस्सा है, जिसने 30 साल तक शहर के लिए अपनी खदमात सर अंजाम दी। TTC ने 1988 में अपनी सर्विस में बैंडी स्ट्रीट कार्स मुतारिफ कराई थी। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान अमन अमल सलमे खलीलजाद ने तस्दीक की है कि तालिबान के साथ अमन अमल के करीब पहुंच चुके हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान अमन अमल सलमे खलीलजाद ने तस्दीक की है कि तालिबान के साथ अमन अमल के करीब पहुंच चुके हैं। अमरीका और तालिबान के दरमियान कतर में मुजाकरात के 9 दौर हुए हैं, जिसमें अफगान अमन अमल के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। 3 रोज कबल अफगान तालिबान ने भी दावा किया था कि अमरीका के साथ मुजाकरात कामयाब हो चुके हैं और अमरीका 98% मुतालबात मानने पर तैयार है। अब अमरीकी नुमाइंदा खसूसी सलमे खलीलजाद ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तालिबान के साथ मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। अमरीका ने 98% मुतालबात तस्लीम कर लिए। अफगान तालिबान का दावा है, सलमे खलीलजाद ने ट्विटर पर लिखा कि तालिबान के साथ अमन मुआहदे का नवा दौर मुकम्मल हो गया है और अब इस जमन में वो अफगान हुकूमत से मुशावरत करेंगे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ मुआहदे से अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी और बैनुल अक़वामी अफगान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। सलमे खलीलजाद का कहना था कि अमन मुआहदे से एक ऐसा खुद मुख्तार अफगानिस्तान सामने आएगा जो अमरीका और उसके इत्तेहादियों या किसी और मुल्क के खिलाफ अपनी जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। अमरीका में एक मुसल्ला शख्स ने ट्रैफिक सिग्नल पर अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में एक मुसल्ला शख्स ने ट्रैफिक सिग्नल पर अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक फायरिंग का पहला वाकया अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर मेडलैंड में पेश आया, जहाँ मुसल्ला शख्स ने सिग्नल पर रुकी हुई गाड़ियों पर अंधाधुन फायरिंग कर दी। बाद अज़ा एक पोस्टल ट्रक अगवा करके ओडिशा की हाईवे पर आ गया और वहाँ भी गाड़ियों पर फायरिंग की। ओडिशा पुलिस चीफ माइकल ग्रेके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुसल्ला हमला आवर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है, जिसकी शनाख्त का अमल जारी है। अफसोसनाक वाकये में मजमुई तौर पर 5 अफराद हलाक और 22 जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में 3 पुलिस अहलकार और 1 शीरखवार बच्चा भी शामिल है। हमले की वजूहात का तयन नहीं किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि रवा माह के पहले इतवार को टेक्सास और ओहायो में अवामी मकामात पर अंधाधुन फायरिंग के नतीजे में मजमुई तौर पर 31 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीका में पे दर पे फायरिंग के वाकयात में अवामी जानों के ज़िया के बाद मुल्क में असलहे के फरोख पर पाबंदी और कानून को सख्त करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इसी के साथ ही टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू।
only at TAC TV.